हे हेलो यूट्यूब। सो आज हम लोग इस पिक को एडिट करने वाले हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इमेज को आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद से लिया है, खुद के कैमरे से, कैनन 200D को यूज़ करके। और मैंने लेंस किट लेंस ही यूज़ किया था, कोई अनदर लेंस यूज़ नहीं किया था। एट फर्स्ट हम लोगों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ISO सही में था तो नॉइज़ नहीं आया, पर एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था। तो हम लोगों को बैकग्राउंड हम लोग कॉपी कर लेंगे, और आप कंट्रोल जे से भी ये कर सकते हैं। फिर लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर, और लेवल को हम थोड़ा शेडो और लाइट को ठीक ठाक रखेंगे। आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट लेयर से लेवल्स को कर सकते हैं मैनुअली, और यहाँ पर मैंने शॉर्टकट से एडजस्टमेंट ठीक ठाक किया है। इसको थोड़ा सा हम घटा देंगे क्योंकि इस साइड का जो एक्सपोजर है थोड़ा बढ़ गया है, सनलाइट उधर था, पूरा नेचुरल लाइट में शूट किया है, आर्टिफिशियल लाइट इसमें नहीं था। और हम लोग कंट्रोल ई करके मर्ज कर लेंगे। अब दोनों लेयर को शिफ्ट क्लिक करके, दोनों लेयर सेलेक्ट करके, कंट्रोल ई करके मर्ज कर सकते हैं। देन हम लोग फिल्टर से कैमरा रॉ फिल्टर ओपन कर लेंगे। हम लोग पूरा एडिट इसका कलर करेक्शन और अदर्स जो जो एडिट है कैमरा रॉ फिल्टर से ही करेंगे। और बेसिक करेक्शन थोड़ा हम कर लेंगे, हाईलाइट को पूरा ही कम रखेंगे क्योंकि रखना पड़ता है इसलिए। और शेडो को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि मुझे दोनों साइड का अपर्चर और शेडो जो लाइट मेजरमेंट था वो है, वो उसको हम सही में रखेंगे। और टेम्परेचर थोड़ा हम वार्म टोन में रखेंगे क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है, इसलिए वार्म टोन अच्छा लगेगा, नहीं तो एडिट अच्छा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और आप लोगों के हिसाब से कर सकते हैं। नाउ हम टेक्सचर को थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हम वो कवर अप कर लेंगे क्लैरिटी के साथ। देन कोलाब्रेशन में जाके हम पूरा बढ़ा देंगे इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर योली जो टोन है स्किन का वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम ग्रीन और रेड को थोड़ा सा कम करेंगे। हम इसको कवर अप कर लेंगे जब कलर मिक्सर में हम कलर को एडिट करेंगे। नाउ कलर करेक्शन में हम रेड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो कलर है अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आउटफिट जो इन्होंने पहना है रेड और ब्लैक के साथ है, तो हम लोगों का जो बैकग्राउंड के साथ मिक्सर जो है पिक्चर का सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड का वो अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग स्किन का कलर चेंज करेंगे। और आप लोग अगर चाहे तो मैनुअली आप स्किन का जो रिटचिंग है वो कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर उतना नहीं किया है क्योंकि स्किन उस हालत में नहीं था कि रिटचिंग करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं तो करना चाहे तो कर सकते हैं। ना हम यहाँ पर योली स्टोन रखना चाह रहे थे पर ग्रीन अच्छा लग रहा है इसलिए ग्रीन को रखा। रेड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप ये अब देख सकते हैं इमेज अच्छा लग रहा है। और मैंने जो शूट किया एक टोटली एपर्चर एंड ISO के ऊपर किया है, यहाँ पर मोशन का ज़रूरत नहीं था। और जो इस पिक्चर के साथ जो जो पिक्चर है वहाँ पर मोशन बहुत चाहिए था, इसलिए वहाँ पर मैंने फोकस एपर्चर एंड शटर स्पीड पे किया था। और यहाँ पर मेनली फोकस था बिकॉज स्टैंडिंग पोजीशन में है। अभी हम कार्ड में जाके यहाँ पर एक बात जो है, जो मैंने आर्टिफिशियल लाइट के यूज़ नहीं किया है, पूरा नेचुरल लाइट में था, तो एक्सपोजर थोड़ा इस साइड ज़्यादा रह गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्व में जाके लाइट को थोड़ा सा बढ़ा के और हाईलाइट को कम करके हम लोग कर देंगे, और शेडो को थोड़ा हाई रखेंगे। नाउ आई ठीक ठाक है। अगर आप चाहे तो बाद में आप टेम्परेचर कम करके और कर्व में जाके ठीक ठाक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए गेन और नॉइज़ नहीं है क्योंकि मैंने ISO टोटली कम रखा था, फिर भी मैं थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन कर देती हूँ जिसमें सही रह जाए। और शार्पनिंग का थोड़ा बढ़ा देना, नहीं तो नॉइज़ के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। सॉरी। अभी जो है इसका ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा लग रहा है चेक करके। नाउ इट्स लुक गुड मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से नग नहीं लग सकता है। नाउ हम थोड़ा इफेक्ट्स को वो कम ज्यादा कर देंगे विंटेज। ओके नाउ इट्स डन।
अभी आप चेंजेस देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आया है इसमें। पहले ऐसा था इमेज, नाउ ऐसा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्म टोन में पिक्चर है तो यूलिश टोन ज़्यादा रहेगा इसमें। तो मैं कम करती हूँ कि लेवल्स में जाके, कर्व में जाके मैं थोड़ा ब्लूइश टोन लाऊंगा इसमें, तो यहाँ पर जो यूलिश ज़्यादा है ना वो कवर अप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग इमेज में जो होता है ना, इमेज एडिटिंग में, तो हमको करके देखना पड़ता है कि सही है और ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर जो एक्सपोजर का मेजरमेंट था वो लाइट के हिसाब से कवर अप हो गया मेरे हिसाब से थोड़ा सा। ओके चलो देख लेते हैं। यूलिश था थोड़ा सा, यूलिश मैंने कम कर दिया यहाँ पर, भूल मैंने मतलब ब्लूइश जो टोन है ना वो ला के यहाँ पर मैंने एक मास्किंग करके सब्जेक्ट को अलग कर लिया है। और अभी मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट करके आप कंट्रोल जे करके पूरा कर सकते हैं जो मास्किंग का होता है। पर अगर आप एजेस को सॉफ्ट रखना चाहते हैं और बैकग्राउंड के हिसाब से एजेस को सही रखना चाहते हैं तो सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक कीजिए, देन स्मूथ फेदर, कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हैं कमा सकते हैं। देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू लेयर विथ लेयर मार्क्स, आप इसको ध्यान में रखना, फिर ऐसा कुछ इमेज आएगा। मैंने अलग अलग लेयर पे सब कुछ रखा है क्योंकि एडिट के टाइम पे ज़्यादा काम आएगा। देन हम इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको हम पूरा, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ब्लैक चाहिए। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। मैं टोटली एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ अगर होता है। आपको यहाँ पर कंटेंट एवर सिलेक्ट करना है 100 और नॉर्मल मोड पर रखना है, ये ध्यान में रखना होगा आपको, नहीं तो पूरा इमेज भी कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा, देख लीजिए ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसको ठीक ठाक कर सकते हैं, ना चाहे तो भी कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ। ठीक ही लग रहा है तो मुझे सही नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर ओके कर देंगे जो भी है, बस सब हो जाएगा। हाँ हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ऐसा था पहले, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर जो है वो ज्यादा हो गया है, क्योंकि ऐसा था और अब ऐसा हो गया। नाउ अगर हम चाहे इस लेयर को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोगों को लेयर मर्ज भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे मर्ज करना चाहे तो मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लेयर लाना चाहती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था सैंपल, यहाँ पर मैंने एक कुछ अलग से एडिट करने के लिए लाइट ऐड किया है मैंने। अब इसको स्क्रीन पर सेट करेंगे और इसको मैं ये देखने में इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो फिल्टर देन ब्लर देन गॉशियन ब्लर, नाउ इट्स लुक्स समथिंग डिफरेंट। ओके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल से बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव टूल में जाके क्लिक करके भी हो सकता है, थोड़ा सा कम कर देंगे।
अगर आप चाहे इस पिक को फिल्टर में जाके फिर कैमरा रॉ फिल्टर में कुछ अलग सा कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप तो पूरा ब्लैक एंड वाइट रख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा, और अदर्स कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही रख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसा पिक को देखना चाहते हैं। नाउ मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आप चाहे तो डिफरेंट कुछ कर सकते हैं। ओके।